Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to disable talkback settings. इस डिवाइस में अचानक टॉकबैक चालू हो गया है, डिस्प्ले में टच काम नहीं कर रहा है, मोबाइल के अंदर से कोई बात कर रहा है। एक्चुअली टॉकबैक चालू होने के बाद फोन इस तरह का हरकत करते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसे बंद करने का दो तरीका है। नंबर वन, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। फोन के साइड में जो वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया गया है, उन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखिए जब तक ये टॉकबैक ऑफ ना हो जाए। 3 सेकंड बाद ये ऑप्शन अपने आप चले जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसे बंद करने का सेकेंड प्रोसेस बताऊंगा। मान लो कि आपके फोन में टॉकबैक चालू हो गया है और इसका स्क्रीन भी लॉक हो गया है। टॉकबैक एक्टिवेट होने के बाद सिंगल टच काम नहीं करेगा, इसलिए हम दोनों अंगुलियों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अपना पासवर्ड डाल के फोन अनलॉक कीजिए। अब फोन का सेटिंग्स ओपन करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप दोनों फिंगर इस्तेमाल करके ऐप ड्रॉअर ओपन कीजिए। इसके बाद सेटिंग्स को ढूंढो। सेटिंग्स ओपन करने के लिए उस पर एक बार टच करके सिलेक्ट करें, फिर दो बार टैप करने से वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों उंगलियों से स्क्रॉल करके नीचे नीचे जाएंगे। नेक्स्ट, एडिशनल सेटिंग्स। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को ओपन करते ही डिजन के अंदर टॉकबैक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब हम टॉकबैक को ओपन करके इस ऑप्शन को डिजेबल कर देंगे। इसके बाद स्टॉप करना है। टॉकबैक सेटिंग्स के नीचे अगर शॉर्टकट एक्टिवेट रहते हैं तो उसको भी टर्न ऑफ कर दीजिए, नहीं तो टॉकबैक ऑप्शन दोबारा चालू हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप टॉकबैक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।